Hello my dear students today we will read our chapter number 3 the name of chapter is more on ms word 2010 in previous class there was a chapter of ms word 2010 in which you have learned about the basic things of ms word like uh, formatting how to open ms word how to save the document how to print the document, such type of basic things you have already learned and read in previous class. Today, we will discuss more about MS Word 2010. First of all, in this lesson, we will try to know about Quick Access Toolbar, inserting hyperlink, column formatting line spacing spacing, and paragraph spacing and such page margin footer note mail merge such document uh, topics first of all once again i would like to tell you about the what is microsoft word microsoft word 2010 is an application software and a part of ms office 2010 suite ms office ज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच अलाउज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स ब्राउजर्स न्यूज लेटर्स रिपोर्ट एक्सटेट्रा गोट इट एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस का पार्ट है एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में लाइक कोई लेटर किसी को भेजना होता है ब्राउचर बनाना होता है या कोई न्यूज़ लेटर बनाना होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ आपको एक क्वेश्चन नंबर वन अपनी नोटबुक में लिखना है इसका क्वेश्चन लिखना है डिफाइन एम एस वर्ल्ड टू थाउजेंड टेन क्लियर और उसको आपने आंसर देना है यहाँ से और यहाँ तक यह आपने क्वेश्चन लिख सकते हो वर्ड इज एम एस वर्ड क्लियर तो इसको आपने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर देना है एक क्वेश्चन आपने नोटबुक में उतारना है अब हम बात करते हैं एम एस वर्ड वैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इसके बारे में अच्छे से बेसिक चीज़ें जो थी इसकी फिर एक बार आपको रिवाइज़ करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे कि ये एम एस वर्ड जब खुलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एम एस वर्ड में जिसके अंदर हम लोग ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या इसको आप एक सॉफ्ट सिंपल टेक्स्ट सॉफ्टवेयर कह सकते कहते हैं हम लोग ठीक है टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपके जितने भी टाइप के लेटर वगैरह बनते हैं सब चीज़ें बनती हैं वो इसी के अंदर बनते हैं एमएस वर्ड उसी के लिए यूज़ किया जाता है इसके अंदर जो लेटर अपना जो स्क्रीन होता है एम एस वर्ड का जो विंडो होता है उसके ऊपर एक रिबन होता है जो आप दिखाई दे रहा है आपको ये रिबन है इसको हम रिबन कहते हैं ठीक है बेटा इसको हम क्या कहते हैं रिबन कहते हैं रिबन के अंदर तीन पार्ट होते हैं एक होता है आपको जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिप बोर्ड फ्रंट पैराग्राफ ये नीचे लिखे होते हैं इनको हम ग्रुप कहते हैं एक ऊपर लिखा था फाइल इंसर्ट होम पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग सॉ इनको हम टैब कहते हैं यानी इन टैब को दबाने से फिर कमांड निकलती है ग्रुप को दबाने से इनमें से ये कमांड ये वाली निकलती है टैब निकलते हैं और टैब को दबाने के बाद में हमें इनके अंदर से कमांड निकलती है तो ये ग्रुप हो गया ये टैब हो गया और इनके अंदर जो बी आई यू या ये लाइन स्पेसिंग दे रखा है जो मार्जिन मार्जिन का दे रखा है लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन या सेंटर मार्जिन इनको हम कमांड कहते हैं क्लियर है तो इन एम एस वॉक्यूमेंट द रिबन कमांड्स आर ऑर्गेनाइज इन टू टैब्स दैट ग्रुप आर रिलेटेड कमांड्स टूगेदर द रिबन हैज थ्री पार्ट्स टैब ग्रुप्स एंड कमांड्स बताया मैंने आपको टैब ये टैब है ये ग्रुप है और ये कमांड्स टैब टैब आर प्लेस्ड एट दॉप ऑफ द रिबन ग्रुप आर सेट ऑफ र एंड कमार आरेंज इन ग्रुप्स इनमें जो लगी हुई हैं कमांड अब हम बात करते हैं इन टॉपिक के बारे में जो सबसे पहले दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको कि हम किसी कमांड को या कोई कमांड को किसी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एम एस बैठ के अंदर बार करते हैं, बार हमें जो उसको यूज़ करना पड़ता है तो हम उस कमांड को शॉर्टकट कट में वहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में सेव कर लेते हैं ताकि हमें उसके कमांड को टैब को खोल करके या ग्रुप को खोल करके बार बार उसमें ना जाना पड़े इसलिए वो क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया बाय डिफॉल्ट इसके अंदर तीन होती हैं इसके अंदर हम डू अंडू और सेव का ऑप्शन रखते हैं बाकी इसमें जो भी कमांड है वो आप अपने सेव अपनी सहूलियत के मुताबिक रख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार इन क्विक एक्सेस टूल बार यू कैन ईजिली एट द कमांड्स ऑफ यूर चॉइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया था फॉर्म में इट इज़ लोकेटेड अबाउ द रिबन ऑन द टॉप ऑफ द फाइल टैब ऑन द वर्ड स्क्रीन कमांड्स प्लेस एट द क्विक एक्सेस टूल बार टूल बार आर ऑलवेज विजिबल ये हमेशा दिखता है आपको सबसे कोने में जैसे ये कॉबन है तो आपको मैं दिखा देता हूँ जैसे ये आपको ये जो ऑप्शन है ये सेव का ऑप्शन है ठीक है इसके अंदर ये जो है ये अंडू का है और ये डू का है रीडू इसको बोलते हैं ठीक है रीडू अंडू और सेव ये तीन ऑप्शन जो है बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं फिर इसमें जो है एक एरो का निशान ऐसे करके बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो इसके नीचे लिस्ट आ जाती है जो आपको चाहिए होता है आप उसमें ऐड कर सकते हो और उसमें आप अपना सा, सहूलियत में बताएंगे जो बटन आप बार बार यूज़ करते हो उसको यहाँ पर रख सकते हो तो क्विक एक्सेस टूल क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये रिबन के अंदर सबसे टॉप में रहता है ठीक है लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ये हो गया हमारा क्यूक एक्सेस टूल बार इसके मुताबिक अगर हम क्वेश्चन की बात करें इसी चैप्टर के अंदर आपको बता देता हूँ तो वो इसमें इससे रिलेटेड इसमें पूछ सकते हैं कि वाट इज क्यूक एक्सेस टूल बार तो इसमें आप लिखोगे इट इज लोकेटेड अबाउट द रिबन ऑन द टॉप ऑफ द फाइल टेबल ठीक है ऑन द वर्ल्ड स्क्रीन कमांड्स प्लेस्ड एट द द एक्सेस टूल बार विजिबल विजिबल ऑलवेज दिस इज राइट आंसर अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपरलिंक हाइपरलिंक क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि आपने कंप्यूटर में या आपके मोबाइल पे लैपटॉप पे कंप्यूटर पे आपने कोई मैसेज वगैरह से कुछ पढ़े होते हैं या कोई चीज़ देखते हो तो जिसमें जो लिखा होता है कुछ मैसेज उसके बीच में एक ब्लू लाइन के अंदर एक ब्लू कलर में एक लिंक आता है जिसमें लिखा होता है डब्ल्यू 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 डॉट कॉम या कुछ ऐसा हाइलाइटेड कोई नाम होता है उसके नीचे वो हाइलाइटेड नाम होता है उसके नीचे लाइन होती है अंडरलाइन क्या किया होता है उसको जिनके ऊपर आप क्लिक करने से जैसे आपने एक मैसेज पेज खोला हुआ है आप मैसेज पढ़ रहे हो अपने मोबाइल के अंदर कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के अंदर और उसको अंदर आप एक ब्लू लाइन का मैसेज एक लिंक दिया होता है जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आप उस पेज में जो खोला हुआ था आपने उससे आप अगले पेज में चले जाते हो दूसरे पेज में जो जिससे रिलेटेड ये लिंक होता है उस पेज में चले जाते हो तो उस पेज में जाने के लिए जो लिंक दिया हुआ था इसी सिस्टम को हम हाइपर लिंक कहते हैं हाइपर लिंक हेल्प यू टू मूव क्विकली फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज क्लियर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी बाई सिंपली क्लिकिंग ए लिंक जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप दूसरे पेज में चले जाओगे तो ये था आप इसको क्लिक को लिंक कैसे करोगे आप या फिर हाईपे लिंक बनाओगे कैसे आप है हाँ ना इंसर्ट कैसे करोगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सपोज आपका जो डॉक्यूमेंट था तो उसके अंदर आप किसी वर्ड को लिंक करना चाहते हो तो अपने मेल करने के लिए अपने फ्रेंड को बताने के लिए कि भाई इस पर लिंक करोगे तो आप ये चीज चले जाओगे तो उसको लिंक करने के लिए स्टेप्स दिए हुए कि सबसे पहले आपने उस टेक्स्ट को जिसको लिंक करना है उसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद में उस हाइपर लिंक जो आपने हाइपर लिंक में डालना चाहते हो सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच हाइपर लिंक इज़ टू बी इंसर्टेड उसके बाद आपको जो है इंसर्ट के अंदर जाना है जो यहाँ पे इंसर्ट दिया होता है टेबल के अंदर टैब ग्रुप के अंदर इंसर्ट में जाने के बाद में वहाँ पे हाइपर लिंक का मिलेगा आपको हाइपर लिंक पर क्लिक करना है हाइपर लिंक में जाने के बाद द इंसर्ट हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स इस प्रकार से आपका हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा उसमें आपने जो अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल का लिंक देना है जो फाइल आपके कंप्यूटर में या कुछ और है तो उसमें आपने टाइप कर देना है या फिर उसमें है तो उसमें चूज कर लेना है और फिर आपने ओके बटन दबा देना है तो ये आपके ऑप्शनस हैं इसको आपकी बुक के अंदर आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन हमने बात किया था एम वर्ट इज एम एस वर्ड क्वेश्चन नंबर टू जो है वो है हाउ विल यू इंसर्ट हाइपर लिंक इन योर डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर टू आपके बुक में भी है ये क्वेश्चन नंबर टू लिखेंगे आप हाउ विल यू इंसर्ट आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर वन है हाउ विल यू इंसर्ट हाइपर लिंक इन योर डॉक्यूमेंट तो यहाँ से आंसर है आपका आंसर आंसर टू इंसर्ट हाइपर लिंकोलो सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच हाइपर लिंक और इन इसी प्रकार से इन स्टेप्स को फॉलो करते करते आपने क्लिक ऑन द ओके बटन को आप क्लिक कर देंगे क्लिक है यहाँ तक तो आपने से लिखते में अब हम बात करते हैं नॉर्मली जो इसके अंदर है वो है फॉर्मेटिंग के बारे में ठीक है फॉर्मेटिंग क्या है फॉर्मेटिंग जो है वो होता है किसी भी चीज़ को आपने जो लेआउट होते हैं पेज का लेआउट है कोई कॉलम का लेआउट है या लाइन का जो लेआउट है ठीक है उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो फॉर्मेटिंग होता है कॉलम फॉर्मेटिंग क्या है ठीक है कॉलम फॉर्मेटिंग या फिर आप बात करें डिक्शनरी भी है इसके एम वर्ड के अंदर इसको हम थेजर्स बोलते हैं तो थेजर्स प्रोवाइड सिनोनिमस एंड एंटोनिमस पहले हम बात करें थेजस की तो थेजस क्या होता है कि आपने किसी वर्ड का सिनोनिमस और एंटोनिमस देखना होता है तो वो आपको प्रोवाइड कराता है फॉर वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट्स इट इज़ लाइक अ डिक्शनरी एंड कैन बी यूज टू रिप्लेस अ वर्ड विद ए सिम्नोनमस और एंटोनस आप जो है किसी वर्ड में सपोज आपने एक लाइन टाइप किया आपने कंप्यूटर के अंदर व एमएस वर्ड के अंदर एक वर्ड है हेल्प अब आपको इसको समझ में नहीं आ रहा कि इसका मीनिंग क्या होता है तो आप जब इसके अंदर जाओगे थेजर्स के अंदर या फिर आप इसमें राइट क्लिक करोगे तो आपको थेजर्स मिलेगा तो उसमें आप जो एरो के निशान में क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड रिले, रिले जो है आपको सिनोनिमस मिल जाएंगे कई सिनोनिमस मिल जाएंगे कि हेल्प का मतलब ये होता है ये होता है ये होता है ये होता है जो भी चाहिए होता है उसको आप क्लिक करोगे तो उसके बदले में वो वर्ड वहाँ पर आ जाता है ठीक है तो ये हो गया कॉलम फॉर्मेटिंग का क्योंकि वीडियो लंबा ना हो हम आपको शॉर्ट में और सबको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आप चैप्टर पढ़ोगे साथ साथ में तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉलम फॉर्मेटिंग क्या होता है बेटे कॉलम फॉर्मेट वैन यू नोटिस ए न्यूज़पेपर जब आपने न्यूज़पेपर देखा होगा अपने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो एक ही पेज के अंदर कॉलम से बने होते हैं कॉलम से मतलब समझते हो ना जिस प्रकार से ये एग्जांपल के तौर पे यानी आपको एक पेज है पूरा ये वाला इसमें ये वाला भी लिखा हुआ है उसके बाद में यहाँ से खत्म होने के बाद में फिर आप यहाँ से शुरू करते हो नॉर्मली हम क्या करते हैं एक पेज के अंदर जैसे बुक का पेज है हमने टाइप किया वहाँ से शुरू किया और पूरा पेज ही लगातार ही है कंटिन्यूसली इसमें अभी में कोई कॉलम नहीं है ना लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर क्या करते हैं कि उसमें कॉलम होता है है ना जिस प्रकार से जैसे एक पहले एक लाइन छोटा सा एक कॉलम बना फिर वहाँ पर ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे फिर उसको कॉलम इस प्रकार का अगर कॉलम फॉर्मेटिंग करना हो एक पेज में तीन चार कॉलम बना करके लिखना हो तो क्या लिखने हैं वैन यू नोटिस है न्यूज़पेपर और मैगजीन यू विल फाइंड दैट इट हैज़ ए कॉलम्स इन एम एस वर्ड द सेम कैन ऑल्सो भी अपलाइड एम एस वर्ड में भी ऐसा कर सकते हो आप टू अपलाई कॉलम फॉर्मेटिंग फॉर द गिवन स्टेप्स और ये स्टेप्स देखे हैं चूज द मैटर दैट यू वॉन्ट टू फॉर्मेटेड कॉलम्स जो मैटर आपने टाइप किया उसको चूज करना है सेलेक्ट करना है क्लिक ऑन द कॉलम्स फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप जो इसके अंदर पेज सेटअप ग्रुप होता है ठीक है उसके अंदर जाकर के आपने जो आपका नॉर्मली जो उसके अंदर दिया होता है पेज सेटअप ग्रुप यहाँ पे तो इस पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जा करके और आपने उसको सेलेक्ट करना होता है निकालना होता है टैब करना होता है क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैप ऑन तकरीबन जो उसमें पेज लेआउट है उस टेब पेज लेआउट का टैब है उसमें रिबन में वो करना है क्लिक ऑन द कॉलम्स उसमें कॉलम पर क्लिक करना जो पेज सेटअप ग्रुप के अंदर है चूज द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ ओपन जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है जो लेटर या कुछ डॉक्यूमेंट आपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड में बनाया है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया फिर आपने पेज लेआउट आउट पर क्लिक किया उसके अंदर कॉलम्स का पेज सेटअप टेप के अंदर कॉलम का एक कमांड में लेगी टैप में लेकर उसके अंदर क्लिक किया और फिर उसमें आपको कितने कॉलम चाहिए दो तीन चार उसके मुताबिक आपने उस पर क्लिक करना है उसी के मुताबिक आपका वो चीजें हो जाएंगी चेंज हो जाएगी ठीक है ये था आपका लाइन स्पेस क्या है लाइन स्पेस यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का जो स्पेस उसको हम लाइन स्पेस कहते हैं बेटा पैराग्राफ स्पेस क्या होता है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं फिर भी एक बार हम इसको बता देते हैं कि लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस वर्टिकल स्पेस को कहते हैं इसको इस स्पेस को वर्टिकल स्पेस कहते हैं ठीक है लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ टू सेट लाइन स्पेसिंग फॉर द स्टेप्स गिवन बिलो ठीक है आपने एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कितना दूरी रखना है कितना डिस्टेंस रखना है उसे कितना स्पेस रखना है उस स्पेस को हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं अब उसको आप नॉर्मली स्टेप्स दे रखेंगे आपने पैराग्राफ को चूज करना है होम टेप पर जाना है वहाँ पर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा उस पर आपने क्लिक करना है और जितना उसमें दिया होगा आधा .51 .5 1.52 .5 इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा उनमें आप क्लिक कर करोगे तो पॉइंट हाफ मतलब कि आधा सेंटीमीटर का एक सेंटीमीटर नॉर्मल जो भी है होता है उसमें उसके मुताबिक लाइन का जो स्पेसिंग होता है या डबल स्पेस का हाफ स्पेस का सिंगल स्पेस का डेढ़ स्पेस का या दो स्पेस का इसको स्पेस बोलते हैं सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है तो स्पेस होता है वो तो उतना स्पेस का आपको उसमें मार्जिन उसको उस लाइन स्पेस मिल जाता है उसमें ऑप्शन वही होते हैं जैसे आपने यहाँ पे देख भी रहो वन वन पॉइंट फाइव वन डेढ़ दो ढाई तीन कितने स्पेस का चाहिए लाइन स्पेसिंग कस्टमाइज कर ठीक है पैराग्राफ स्पेसिंग भी वही है कि एक पैराग्राफ आपका पूरा लाइन स्पेस उसके अंदर आ जाते हैं वो पैराग्राफ बन गया अब इस पैराग्राफ से यहाँ पे ख़त्म हो गया तो दूसरा पैराग्राफ जो है यानी आपका ये पैराग्राफ है एक यहाँ पर ख़त्म हो गया इसके बाद यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू किया इन्होंने तो इस पैराग्राफ के बीच तो में जो डिस्टेंस है इसको हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं और उसके लिए ऑप्शन सेम वो सेम वही रखे पेज मार्जिन पेज मार्जिन का मतलब होता है जैसे हमने ये पेज ये बुक का आप देख रहे हो ये बुक का अंदर क्या होता है कि ये जो पट्टी दी हुई है रेड कलर की इसको हम पेज मार्जिन कहते हैं यानी यहाँ से यहाँ तक का जो मार्जिन है या फिक्स ऊपर से यहाँ तक का जो मार्जिन है इस मार इसको हम मार्जिन कहते हैं या फिर आपको नीचे छोड़ी हुई जगह को हम ये तो ये जो है ये मार्जिन होते हैं इनको तो हम क्या होते हैं ये जो है लेफ्ट मार्जिन ये राइट मार्जिन ठीक है ये अप एंड डाउन के जो मार्जिन है इसके बाद में पेज मार्जिन है रेफर्स टू द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ़ द पेज जैसे मैंने आपको बताया दिया कि जो खाली स्पेस है चारों तरफ पेज की उसको पेज मार्जिन कहते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम फुट नोट एंड एंड नोट को फुट नोट एंड एंड नोट क्वेश्चन इसी के साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कॉलम फॉर्मेटिंग का एक क्वेश्चन जिसे हमने पढ़ा है तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड वो आपके बुक के अंदर है और उसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर थ्री हो जाएगा उसमें है वाट डू यू मीन बाई कॉलम फॉर्मेटिंग वाट डू यू मीन बाई कॉलम फॉर्मेटिंग हाउ कैन यू डी इट हाउ कैन यू डू इट तो इसका आंसर लिखना है कि यहाँ पे सिंपली आपने लिखना है, कि पहले व्हाट डू मेन बाय कॉलम फॉर्मेटिंग तो ये लिखते हैं व्हेन यू नोटिस द न्यूज़ पेपर मैगजीम यू विल फाइंड दट था इस कॉलम इन फोटम राइट ठीक है और दूसरा इसमें जो है इसके स्टेप्स जो है ये स्टेप्स को आपने मैंशन कर देना इसका आंसर जो है ये हो जाएगा अब हम जो है अगले बात कर रहे थे हम अच्छा एक इसी हिसाब में एक क्वेश्चन और जो हमने पढ़ा है वो है लाइन स्पेसिंग और पैरासि पेज स्पेसिंग तो इसमें क्या है पर, आपको एक क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने दोनों को डिफाइन करना होता है लाइन स्पेसिंग क्या होती है उसको लिखना होता है और फिर पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है उसको लिखना होता है दोनों का डिफरेंस पता लग जाता है कि लाइन स्पेस का मतलब है कि लाइन स्पेस वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन टू लाइन दैट इज़ कॉल द लाइन स्पेसिंग और वर्टिकल स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ टू तो पैराग्राफ कॉल द पैराग्राफ स्पेसिंग क्लियर है बाकी आपने जो इसमें लिखा हुआ है उसको मेंशन करना है पहले आपने लाइन स्पेसिंग लिख करके और उसको इसको मेंशन कर देंगे यहाँ तक लाइन स्पेसिंग तक और फिर यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग को यहाँ से लेकर के और आपने पैराग्राफ स्पेसिंग को इसको मैंशन कर देंगे तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ठीक ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर हो गया इसके अंदर जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर थ्री है लाइन स्पेसिंग और पैरासिंग ये फोर क्वेश्चन हो गया हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया तो ये पैराग्राफ इसलिए समझ में आ गया आपको अब बात करते हैं हम फुट पेज मार्जिन के समझ में आ गया अब फुट नोट एंड एंड नोट बेटा कभी भी किसी पेज के सबसे ऊपर हमने अगर कोई हेडिंग डालते हैं तो उसको हम जो है नॉर्मली टॉप पे कुछ डालते हैं या फिर आप नीचे डालते हो तो जैसे किसी पेज के नीचे यहाँ पर पेज नंबर डाल दिया हमने टू थ्री ठीक है तो हर पेज के नीचे जो सबसे नीचे होता है उस पेज के नीचे उसको हम कहते हैं फुट नोट ठीक है उसको क्या कहते हैं हम फुट नोट और जब से पूरा लेसन ख़त्म होने के बाद में जब पूरा लेसन ख़त्म हो जाए उसके बाद में कोई चीज़ मेंशन की जाए सबसे लास्ट में उस पेज के लास्ट में तो उसको हम कहते हैं एंड नोट तो ये डिफरेंस क्या है कि फुट नोट जो है वो पेज के सबसे एंड में मिलता है और एंड नोट जो है उस डॉक्यूमेंट के उस चैप्टर के सबसे एंड में मिलता है यानी पेज नोट जो है वो हर पेज के आखिर में मिलेगा और डॉक्यूमेंट के आखिर में चार पेज का या पांच पेज का कोई डॉक्यूमेंट है या कोई लेसन है कोई चैप्टर है उसके जो एंड में मिलता है उसको हम एंड नोट कहते हैं क्लियर है, है बेटा ओके okay. तो ये था फुट नोट और एंड नोट का अब इसको आप जो है इसके भी अब अगर क्वेश्चन में आएंगे तो आपको करना है और अब हम बात करते हैं मेल मर्ज का तो मेल मर्ज क्या होता है बेटा मेल मर्ज जो है ना सपोज आपने कोई एक इनविटेशन कोई अपने कोई प्रोग्राम है आपके घर में और आप फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हो तो आप सबके लिए एक लेटर बनाना सबको उसको सेंड करना बहुत दिक्कत बड़ी टास्क डिफ़िकल्ट टास्क है तो उसको उस काम को एक लेटर जो आपने बनाया जैसे आजकल आपने मोबाइल में देखते हो आप अपना एक मैसेज को सबको आप सेंड कर देते हो फार्ड कर देते हो तो ये क्या यही मेल मर्ज है लोग को एम एस वाइड के अंदर ये ऑप्शन दिया होता है कि एक मेल को एक लेटर को सबको सेंड करने का जो सुविधा है Function, function को हम मेल मर्ज कहते हैं एट द टाइम ऑफ ए पार्टी और ए फंक्शन एक फंक्शन या पार्टी के टाइम में यू विल गिव इन्विटेशन लेटर टू योर फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को इनविटेशन देते हो नाउ यू हैव टू टाइप ऑल द एड्रेसेस सबके एड्रेस टाइप करोगे उसके बाद में उन फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को लेटर टाइप करोगे तो टाइपिंग ऑल द नेम्स एंड एड्रेस एंड देन मेकिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड सेविंग देम इट इज़ ए डिफिकल्ट जॉब ये यहाँ टफ काम है ठीक है लेकिन क्या है विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज फीचर्स इन मेस यू कैन सेंड द सेम लेटर टू ए नंबर ऑफ पीपल्स उस लेटर को कई लोगों को भेज सकते हैं ये मेल मर्ज के अंदर ऑप्शन है अब इसका ऑप्शन कैसे हैं कैसे भेजोगे आप इसको तो परफॉर्मिंग मेल मर्च ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द लेटर पहले आपने डॉक्यूमेंट को खोलना है फिर क्लिक क्लिक ऑन द मेलिंग टैब्स जो मेलिंग टैब है उसके अंदर आपने क्लिक करना है वहाँ पे स्टार्ट मेर्ज मेल मर्ज का जो है ऑप्शन दिया होगा उसको क्लिक करना है लेटर पे क्लिक करना है और स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन को दबाना है और इस प्रकार से इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो इसमें लिखे हुए हैं पूरे ऑप्शन इसके अंदर आपको मैं आंसर है आपका क्वेश्चन भी आएगा इसका तो उसमें आपने पूरे ऑप्शन लिखना है और क्लिक ऑन न्यू एंट्री तक आपने दबाना होता है ठीक है ये पूरा आंसर जो है आपको इसमें नोटबुक में लिखना है ये हमारा था मेल मर्ज का चैप्टर के अंदर अब इसमें जो है मेल मर्ज के बाद में आपको जो है सिंपल एक एक चीज है कि आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे करेंगे तो हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी दबाते हैं और उसमें वहाँ पर प्रिंट डॉक्यूमेंट का कमांड आ जाती है उससे हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं इतना ही था आपका चैप्टर में प्रिंटिंग और लेटर्स यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर लेटर विद द मर्ज डाटा ऑफ योर डॉटर्स और ये ऑप्शन है इसके ठीक है तो इसके बारे में आपको जैसे क्लिक ऑन द फिनिश एंड मर्ज बटन ऑन द फिनिश जैसे आपकी मेल मर्ज मेल जो है मेल जो है आपका वो कंप्लीट होता है कोई आपका डॉक्यूमेंट किसी को, आप को आपने मर्ज किया हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के बाद में अगर आपने उसको उस प्रिंट करना है तो उस ऑप्शन के लिए दिए हुए हैं इसके साथ में हम अपने आज की एक्सरसाइज भी करते हैं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा एक्सरसाइज जो है अगले वीडियो में आपको मैं सेंड करूँगा कल के में आज हमने इसके जो क्वेश्चन आंसर थे जैसे कि हमने बात की थी कि पहला क्वेश्चन था हाउ यू इंसर्ट हाइपरलिंक हाइपर इन यू डॉक्यूमेंट इसका आंसर मैंने आपको बता दिया वाट डू यू मीन बाई कॉलम फॉर्मेटिंग हाउ यू कैन यू डू इट इसका आंसर मैंने आपको बता दिया डिफ्रेंसिएट बिटवीन पैरा पैराग्राफ स्पेसिंग एंड लाइन इस स्पेसिंग इसके बारे में हमने बात कर ली आपको बताया राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट मेल मर्ज मेल मर्ज कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताया और हाउ कैन यू प्रिंट योर मर्ज डॉक्यूमेंट तो ये मैंने लास्ट में बताया दिया कि प्रिंटिंग योर लेटर्स का जो है तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा टू प्रिंट द लेटर्स फॉर द स्टेप्स गिवन बिलो और यहाँ से ओके बटन तक ये इसका आंसर ये क्वेश्चन का हो जाएगा तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ में चैप्टर आपको मैंने थोड़ा बताया इसमें जैसे पिछले लास्ट ईयर भी इस क्लास में हमने पढ़ा था एम एस वर्ड के बारे में उन्हीं एम एस वर्ड के अंदर जो जो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में इसमें बताया हुआ है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आएगा एक बार आप रीड करेंगे तो और आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा थैंक यू एंड हैव एन डे